हेलो गाइज, मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हैं चंदन ऑनलाइन टेक। आज जो है मैं बिजू लेके आए हैं उन सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए हैं जो कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का यूज करती हैं और उसमें जो बराबर अपडेट आते हैं तो क्या क्या अपडेट आते रहते हैं उसी पे रिलेटेड ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या अपडेट आया है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने पोषण ट्रैकर जो है आप अपने मोबाइल में जो है उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो जो मेरे मोबाइल में यहाँ पे जो है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पोषण ट्रैकर जो है और ओपन हो गया है और होम पेज पे आ गया। कुछ नहीं आपको प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति। ठीक है, यहाँ पर आप यदि खोले हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, यदि आज बंद हैं तो आप क्लोज पे करेंगे। तो हाँ, यदि आप खोले हैं आज सेंटर तो हम खोले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास आता है, जब एक बार आंगनवाड़ी का स्टेटस यहाँ पर सेट हो जाता है तो आप इसे बदल नहीं सकते हैं। यदि एक बार आप हाँ आज खोले हैं तो उसके बाद आप उस डाटा को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को आप बदल नहीं सकते हैं कि हम आज फिर अब क्लोज करेंगे। तो चलिए हम ठीक है पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हाँ खोले हैं तो आप ठीक हैं क्लिक करके सिंपली इस पे जो है टिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका आज का जो है आंगनवाड़ी सेंटर ओपन है, तो इस पे सेट हो गया आंगनवाड़ी ओपन स्टेटस सेव। ठीक है, आज का आपका सेंटर आंगनवाड़ी केंद्र खुला हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जितने भी अपडेट आए हैं वो सभी के सभी हम एक 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 करके सभी का आपको हम डिटेल्स बताते हैं। तो सबसे पहले हैं फर्स्ट में लाभार्थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है होम भ्रमण का कार्यक्रम बनाना, जो कि जिसको आप गिरी भ्रमण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आधार सत्यापन करूँ, यदि आपका जो भी आधार अभी तक सत्यापन है उसमें आपको शो हो जाएगा। दैनिक खोज, जो भी आपका जो प्रत्येक दिन का है, और जो नया अपडेट आया है अपडेट आंगनवाड़ी लोकेशन। ठीक है, आप केंद्र का आपको सेंटर का लोकेशन अपडेट करना है आपके पोषण ट्रैकर में, और जब भी आप लोकेशन अपडेट करेंगे तो आप अपने सेंटर पर से ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके अब जो है देख लेते हैं। सबसे पहला है लाभार्थी, आप यहाँ पे लाभार्थी अपने पोषण ट्रैकर में देख लेंगे। यदि आपको ऐड करना है तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे में आपको प्लस का आइकॉन शो हो रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। तो आप जो भी लाभार्थी को ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसका डिटेल्स आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका वो लाभार्थी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब दूसरा देख लेते हैं, होम भ्रमण का कार्यक्रम जिसको आप सब बोलते हैं गिरी भ्रमण। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी होगा आज का डेट में गिरी भ्रमण का जो है आपका, तो यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा। तो सिंपली विजिट पे क्लिक करना है, और विजिट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली हाँ पे कर देना है टिक। तो जैसे आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो हुरे, आप अपना कार्य का सफलतापूर्वक कर लिया है, जारी रखें। तो आप इस तरह से गिरी भ्रमण कर सकते हैं। और आपको सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रत्येक दिन करना है ये पोषण ट्रैकर में एप्लीकेशन, समय के अनुसार अटेंडेंस और जो भी गतिविधियां हैं प्रत्येक दिन करना है, गिरी भ्रमण भी चेक करना है। ठीक है, इस तरह से आपके जो भी आज के डेट में है गिरी भ्रमण इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास, तीसरा जो ऑप्शन हो रहा है आधार सत्यापन, आप अपना जितने भी आपने इस पोषण ट्रैकर में लाभार्थी को ऐड किए हैं तो आप उसका देख सकते हैं। यहाँ पे इतने भी उस सबका आपके पास लिस्ट आएगा कि इसका इसका आधार सत्यापन नहीं हुआ है, तो आप एक एक करके आधार सत्यापन कर सकते हैं। यदि आपको आधार सत्यापन का वीडियो देखना तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कैसे आधार सत्यापन किया जाता है। उसके बाद आता है दैनिक गतिविधियाँ, जो प्रत्येक दिन आपको ये आंगनबाड़ी सेंटर पर से ही करके करना होता है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी खोले ऑलरेडी पहले हम टिक कर दिए थे, हाँ खोले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अटेंडेंस आता है, मॉर्निंग स्नैक्स आता है, SCM आता है। अब देखिए अपडेट में क्या है कि आपको
तीनों एक ही बार टिक करना है, ठीक है। आपके पास जितने भी बच्चे का सूची है तो यहाँ पे आपके सो रहेंगे, और सभी का यहाँ पे आपको अटेंडेंस टिक और मॉर्निंग स्नैक्स SCM, ठीक है, गरम पका हुआ भोजन स्नैक्स और उपस्थिति हाजिरी के साथ साथ उसको मॉर्निंग का स्नैक्स और गरम पका हुआ भोजन एक फर्स्ट में रहेगा उपस्थिति, उसके बाद गरम पका हुआ भोजन, ठीक है, मॉर्निंग का। इस तरह से आप सभी पे टिक कर लेंगे, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक, अटेंडेंस के साथ साथ उसका, उस बच्चे का आपने गरम पका हुआ भोजन और प्लस स्नैक्स सब जो भी दिए हैं, तो आपका एक क्राइटेरिया रहता है प्रति एक दिन आपको अटेंडेंस के साथ उसको भोजन का कराने का जो होता है। तो आप इस तरह से जितने भी आप में, तो 40 बच्चे का कराना होता है प्रति एक दिन, तो आप 40 का यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे आप प्रति एक दिन सबमिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट एक एक करके सभी को टिक कर लेते हैं, ठीक। टिक करने के बाद जो है जितने भी आपके हैं टिक कर लेते हैं, और ये सभी आंगनबाड़ी सेविका प्रत्येक दिन करेंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक, ठीक है। संडे को ओपन नहीं करना है, हाँ यदि क्लोज है तो संडे को वैसे डिसेबल रहता है, ठीक है। सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन आपको करना है ये, ठीक है, तभी आपका पोषण ट्रैकर का जो है स्कोर गुड रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे नहीं तो आपको ऑफिस से भी जो है आपका स्कोर यदि सही नहीं रहेगा तो आपको ऑफिस से भी जवाब देना पड़ता है ऑफिस में भी। इसीलिए आप प्रत्येक सभी सेविका जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं सभी के सभी आपको पोषण ट्रैकर में गतिविधियां प्रत्येक दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक करना है, ठीक है। चलिए हमने देखिए यहाँ पे अटेंडेंस भी हो गया, मॉर्निंग स्नैक्स हो गया, SCM हो गया, मेरे में लाभार्थी का सूची 43 था तो हमने 40 का ऑलरेडी टिक कर दिया, बाकी हम छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आता है एक्टिविटी, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा एक्टिविटी व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है, तो आपने स्वर सफाई पे भी टिक करना है और पूर्व विद्यालय, ठीक, उस पर भी टिक कर देना है। उसके बाद ये आपका हो गया प्रत्येक दिन का गतिविधि, यही पोषण ट्रैकर में जो है लेटेस्ट अपडेट था, ठीक है, अपडेट आंगनबाड़ी लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इस लोकेशन को ऑन कर लेते हैं अपने मोबाइल में, करंट लोकेशन जो है, और ये जब भी आपको लोकेशन अपडेट करना है तो आपने आप आंगनबाड़ी केंद्र और सेंटर पर से ही करना है। चलिए हम करंट लोकेशन पे यहाँ पे पूछा जा रहा आर यू एट आंगनबाड़ी सेंटर, नो, तो अभी आप आंगनबाड़ी केंद्र पे हैं तो हाँ, तो एस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हमको जो शो हो रहा है मैप योर आंगनबाड़ी लोकेशन, ठीक है, प्लीज अलाउ पोषण ट्रैकर टू मैप योर आंगनबाड़ी लोकेशन, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं विल यूजिंग दिस एप्स या ओनली दिस में, ठीक है। GPS रिक्वायर्ड आप पूछ रहे हैं, प्लीज अनेबल GPS सेटिंग टू मैप योर आंगनबाड़ी लोकेशन, तो आप यहाँ सिंपली लोकेशन ऑन करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक वो है आपका वहाँ पे लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ देखिए यहाँ पे एस जैसे किए, ठीक है, मैं अब यहाँ पे हम देखिए जैसे ओके किए लोकेशन मैप सक्सेसफुली, देखिए अपडेट मैप योर टैग अप टू 24 आवर, ठीक है, तो आपको 24 घंटे में जो है आपका लोकेशन सेंटर का मैपिंग हो जाएगा। और ये पोषण ट्रैकर का यही अपडेट था, ठीक है, ये जो लोकेशन अपडेट करने का। तो चलिए आपको वीडियो यदि पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।